इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे विजयनगरम रियासत की कहानी। आंध्र प्रदेश का विजयनगरम एक रियासत नहीं थी, वो एक जमींदारी थी। इसका क्या अर्थ है? जैसे मैंने आपको दरभंगा वाले एपिसोड में बताया कि ये जो जमींदारियां हुआ करती थी उनके पास कोई ज्यूरिसडिक्शनल पावर्स नहीं हुआ करती थी। उनका सिर्फ यही काम रहता था कि अंग्रेजों के लिए टैक्स कलेक्ट करना। अब जैसे हम रियासतें देखें, जैसे मैंने बताया मयूरभंज या हैदराबाद या टोंक या जयपुर, तो ये जो सारी रियासतें थी उनके पास रूलिंग पावर्स थे, उनके पास पुलिस थी, उनके पास अपनी जुडिशरी थी, ये जमींदारियों के पास नहीं थी। पर भारत में कुछ ऐसी जमींदारियां थी, जैसे मैंने दरभंगा के बारे में आपको बताया था, बेतिया हो, टिकारी हो, बलरामपुर हो, ये उत्तर भारत की, और दक्षिण भारत में विजयनगरम हो, जयपुर, जो उड़ीसा का जयपुर है वो हो। तो ऐसी कई जमींदारियां थी जो एक समय रियासतें थी, पर अंग्रेज आने के बाद उन्हें एक तरह से डाउनग्रेड किया गया। बट विजयनगरम, मैं उसे कहता हूं दरभंगा ऑफ साउथ इंडिया, बिकॉज विजयनगरम का की ताकत और विजयनगरम की का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है कि उसे किसी भी रियासत से कम नहीं समझना चाहिए। अब विजयनगरम जो है वो जो आंध्र कोस्टल आंध्रा का जो विशाखापट्टनम है उससे इनलैंड है, और ये जो प्राचीन काल में ये जो पूरा इलाका हुआ करता था, ये सारा इलाका एक तरह से ट्राइबल और जंगल वाला इलाका हुआ करता था। और जो कोस्टल जो आंध्रा है, जो मछलीपट्टनम से लेकर कलिंगा, मतलब जो कटक तक, मतलब ये जो पूरा जो ईस्टर्न ये है, वो एक थ्राइविंग ट्रेड और कॉमर्स का एक क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पे एक काफी एक अमीर और समृद्ध इलाका था। एक इंटरेस्टिंग बात कोस्टल आंध्रा और विजयनगरम और ये जो सारे सराउंडिंग एरियाज की ये है कि एंशिएंट टाइम्स में कहीं एक यहाँ पे जो ट्राइब्स थे उनका जो डेइटी है, जो आराध्य देवत है, वो सिंह रहा होगा, जो लायन है वो। और जब हिंदुइज्म इवॉल्व हुआ और यहाँ के जो जितने भी ट्राइब्स हैं उन वो हिंदुइज्म बिगर हिंदू ट्रेडिशन में इनकॉर्पोरेट हुए, तो वही से जो नरसिम्ह आपने सुना होगा, हिरण्यकश्यपु, भक्त प्रहलाद, और फिर जैसे वो विष्णु जी का अवतार निकलते हैं, जो नरसिम्हा अवतार निकलता है, तो वो एक यू नो हिस्टोरियंस का मानना है कि वो इन सारे जो जितने भी जो यहाँ के ट्राइब्स हैं, एक 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 वे हुआ होगा उन्हें हिंदू ट्रेडिशन में इनकॉर्पोरेट करने का। और एक इंटरेस्टिंग बात, जो भगवान नरसिम्हा अवतार है वो कैसे निकलते हैं, वो एक पिलर में से निकलते हैं, और यहाँ के जो ट्राइब्स थे उनका देवत क्या था, एक पिलर, या जिसे हम बोलते हैं टोटम पोल। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नरसिम्ह के मंदिर है वो इसी बेल्ट में आते हैं, सबसे जिसमें से सबसे फेमस है सिम्हांचलम, और जिसके कस्टोडियंस आज भी विजयनगर राज परिवार है, और इसीलिए मैं आपको ये कहानी बता रहा हूं। जो विजयनगरम का जो राज परिवार है वो पुष्यपति राज परिवार है। तो ये जो इनलैंड ऑफ कोस्टल आंध्रा का जो पूरा क्षेत्र है, ये जो जंगल एरिया, तो यहाँ पर प्राचीन काल में मौर्य हुए, फिर उसके बाद सातवाहन, गुप्त राजा, उसके बाद जो गंगा डिनेस्टी है उड़ीसा, आंध्रा उड़ीसा के जो कोस्टल पर जो राज करती थी, और उसके बाद जो गजपति थे, जो उड़ीसा के जो गजपति एम्पायर का यहाँ पर राज हुआ।
जो पुष्यपति परिवार है, जो विजयनगरम का जो राज परिवार है, वो ओरिजिनली इन जो द गजपतिज ऑफ उड़ीसा है उनके जनरल्स हुआ करते थे। अब फैमिली क्लेम करती है कि वो मतलब 7th century से है, वो बहुत पुराना एक परिवार है, और जो विजयवाड़ा है, एक जो आज का आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा है वहां पे वो पहले रूल किया करते थे एंड ऑल। बट विजयनगरम का ये जो पुष्यपति राज परिवार है वो क्लेम करता है कि जो उनके जो ओरिजिन्स है वो जो विजयवाड़ा या बेजवाड़ा शहर है आंध्र प्रदेश का, उसके जो पहले के रूलर्स हुआ करते थे उनसे वो क्लेम करता है। वो क्लेम करता है कि उसका लीनिएज जाता है 7वीं शताब्दी तक एंड ऑल। बट हमें इसे हिस्टोरिकली ये कितना सच है ये एक डिबेट का विषय है, बिकॉज उसके हमें एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। इस परिवार का एविडेंस हमें मिलता है 15वीं शताब्दी से, जब वो जो उड़ीसा के जो गजपति थे उनके कमांडर्स हुआ करते थे। बाद में जब 15वीं शताब्दी के अंत में 16वीं शताब्दी में जब गजपति राज यहाँ पे खत्म हुआ और कुतुबशाही गोलकुंडा के जो कुतुबशाही थे उनका राज हुआ, तो वो ये लोग जो थे वो लोकल जमींदार रहे। अब इस परिवार का उदय इंटरेस्टिंगली शुरू होता है 1687 में, जब जो मुगल बादशाह औरंगजेब है उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज लेकर गोलकुंडा पर हमला किया। तो इस और फिर उसे एनेक्स कर लिया और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य का पार्ट बनाया। इंटरेस्टिंगली जो विजयनगरम राज परिवार के जिसे हम एक्चुअल संस्थापक कह सकते हैं सीताराम चंद्र राजू, उन्होंने मुगल फौजों की बहुत मदद की और बादशाह औरंगजेब की बहुत मदद की गोलकुंडा को खत्म करने में। और इसीलिए एक जो औरंगजेब है उन्होंने एक स्पेशल तलवार जिसे जुल्फिकर कहते हैं वो सीताराम चंद्र राजू को प्रेजेंट की। और मुगलों से अच्छे संबंध होने के कारण और मुगलों के फेवर में होने के कारण इस परिवार का जल्द कंपेयर टू यहाँ इस क्षेत्र के बाकी परिवार है कंपेयर टू दैट ज्यादा उदय होने लगा। अब आगे चल के क्या हुआ, बादशाह औरंगजेब का निधन हुआ, मुगल साम्राज्य टूट गया और ये जो पूरा एरिया है वो दक्खन के सूबेदार मतलब जो हैदराबाद से जो राज औरंगाबाद और हैदराबाद से जो राज करते थे आसफ जाह द फर्स्ट, जो हैदराबाद के जो पहले निजाम हुए उनके अंडर में आया। और ये जो विजयनगरम राज परिवार है वो हैदराबाद के निजाम को ट्रिब्यूट दिया करता था। आज का जो विजयनगरम शहर है उसकी स्थापना 1713 में हुई। तब के जो राजा थे आनंद राजू, जो सीताराम चंद्र राजू जिन्होंने औरंगजेब को मदद की थी उनके बेटे, तो उन्होंने जो विजयदशमी का दिन था उस दिन पर इस किले की नींव रखी और प्लस उनके बेटे का भी नाम जो था वो विजयराम राजू था, तो उनके नाम पर इस शहर का नाम एक उन्होंने एक नया शहर बसाया और उसका नाम विजयपुरी, जो आगे चल के विजयनगरम कहा जाने लगा। अब 18वीं शताब्दी के बीचों बीच क्या हुआ कि जो विजयनगरम जो है जो रियासत है वो ट्रिब्यूट दिया करती थी हैदराबाद के निजाम को आसफ जाह द फर्स्ट। अब आसफ जाह जो द फर्स्ट है उनका निधन हो गया और उनके बेटों में एक सक्सेशन के लिए जंग शुरू हो गई और इसका फायदा उठाया द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो भारत में अपना कब्जा जमाना चाहते थे। एंड उसी वक्त शुरू हुआ जिसे कहा जाता है द कर्नाटक वॉर्स, कि ये जो पूरे क्षेत्र पर ब्रिटिश और फ्रेंच जो इन्फ्लुएंस था वो अपना कब्जा जमाने के लिए। और विजयनगरम राज परिवार है वो फ्रेंच जो थे उनके साथ था और उसका विजयनगरम का एक नेबर और राइवल था बोबिली। बोबिली था वो परहैप्स हम कह सकते हैं कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जमींदारी थी और वो बिल्कुल पास में ही है, इसी जिले में स्थित है। तो एक लड़ाई हुई विजयनगरम और बोबिली के बीच में, तो बोबिली जो था वो सपोर्टेड बाय द इंग्लिश एंड विजयनगरम सपोर्टेड बाय द फ्रेंच और एक बहुत बड़ी घमासान लड़ाई हुई
पूरा बोबिली का राज परिवार ऑलमोस्ट सब कत्ल हो गया और विजयनगरम और फ्रेंच ने बोबिली पर कब्जा कर लिया। तो तब क्या हुआ कि युद्ध के बाद जब राजा अपने जो टेंट में आराम कर रहे थे तो बोबिली के कुछ सोल्जर्स कैंप में घुस गए और सीक्रेटली टेंट में आकर जो विजयराम द फर्स्ट है जिनके नाम पर विजयनगरम बना उनका सोते हुए उन्होंने खून कर दिया। और ये एक जो किस्सा है बोबिली युद्धम का, ये आंध्र प्रदेश में एक बहुत फेमस किस्सा है, उस पे एक तेलुगु मूवी भी बनी है बोबिली युद्धम करके, उस पे प्लेज बने हैं, किताबें लिखी गई हैं। तो एक ये जो बोबिली और विजयनगरम का जो लड़ाई है वो एक काफी फेमस किस्सा है आंध्र प्रदेश के इतिहास में। और उसके बाद क्या हुआ कि जो विजयराम द फर्स्ट के जो बेटे थे उनको ये लगा कि ये जो फ्रेंच है उनकी, और शायद इसमें सच है, कुछ तथ्य है कि फ्रेंच ने ही कंस्पायर करके उन्हें मरवाया था और ये कहा था कि बोबिली के लोगों ने उनका सोते हुए खून किया। यू नो इट वाज लाइक किलिंग टू बर्ड्स विद अ स्टोन की बोबिली को बदनाम कर दिया, विजयनगरम को खत्म कर दिया, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो एक साजिश थी। तो उसके बाद जो विजयनगरम के जो राजा है उन्होंने फ्रेंच लोगों का साथ छोड़कर अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेज जीत गए, ये पूरे एरिया पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। बट यू नो जैसे कहा जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दोस्त बनाने नहीं आए थे भारत में, और उन्होंने विजयनगरम को फिर से, जैसे फ्रेंच ने उन्हें धोखा दिया था तो इन्होंने भी धोखा दिया और एक बहुत उनसे पैसा लूटने लगे, उन पर टैक्सेस लगाने लगे, उन्हें तंग करने लगे। और फाइनली 1794 में इतना जो अत्याचार है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और जो मद्रास गवर्नमेंट है उसका, तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने एक रिवोल्ट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और एक जगह है विजयनगरम के पास पद्मनाभन करके, तो वहाँ पे एक बहुत फेमस बैटल ऑफ पद्मनाभन लड़ी गई जहाँ पे जो यहाँ के जो राजा है वो मारे गए। और उसके बाद ये 1700 द बैटल ऑफ पद्मनाभन के बाद अंग्रेजों ने कहा कि हम विजयनगरम को खत्म कर देंगे और एक तरह से उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो उन्होंने खत्म कर दी और उनकी काफी जमीनें भी जब्त कर ली है। और उसके बाद इट जस्ट बिकेम अ जमींदारी पेइंग ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। पर यही हुआ कि जब 1794 में जब राजा जो थे उनका निधन हो गया तो उनके जो बेटे थे जिन्हें नारायण गजपति राजू, जिन्हें नारायण बाबू कहा जाता था, वो बनारस चले गए रहने के लिए। और वो बहुत ही लर्नेड थे, वो बहुत ही एजुकेटेड थे और बनारस में उन्होंने विजयनगरम घाट और केदार घाट, ये बनारस के बहुत फेमस घाट्स हैं, ये दो घाट्स बनाए। उनका बड़ा महल था बनारस में और वहीं से वो विजयनगरम को एडमिनिस्टर करते थे। और आगे चल के फिर यहाँ पे 1860 में संस्कृत स्कूल खोला गया, यहाँ पे काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले गए। और एक उसके बाद जो विजयनगरम है वो एक सेंटर ऑफ कल्चर और सेंटर ऑफ एजुकेशन उभरा। और उस समय अगर आप देखें तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं हुआ करते थे, ये सारा मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। पर विजयनगरम के जो राजा है उन्होंने बहुत मदद की, तेलुगु भाषा, तेलुगु ड्रामा, म्यूजिक, रेसलिंग और एक कल्चरल कैपिटल हम कह सकते हैं कोस्टल आंध्रा का विजयनगरम को। उसके बाद जो नारायण बाबू थे उनके बेटे थे विजयराम द थर्ड, उनके टाइम पे रेलवे आई विजयनगरम में और वो जो अंग्रेज जो थे उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे, तो वो एक मॉडर्न मार्केट्स आए, टाउन प्लानिंग आया, सुएज आया, तो एक उनके टाइम पे जो विजयनगरम है वो बहुत ही एक मॉडर्न टाउन एक तरह से उभर कर आया। उसके बाद बाकी राजा आए, फॉर एग्जांपल जो महाराजा अलक नारायण थे वो
जो बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव थे मद्रास प्रेसिडेंसी में, वो 1930s में जो उस समय जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुआ करते थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, मद्रास प्रोविंस के, तो वो इलेक्शन में आए. उनके महात्मा गांधी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, उन्होंने काफ़ी पैसा दिया था महात्मा गांधी को, सोशल कॉजेस को. जो विजयनगरम राज परिवार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेके जो कैलकटा और जो इसकी मद्रास की जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया था. तो जो विजयनगरम राज परिवार का जो एक योगदान रहा है वो एजुकेशन के क्षेत्र में रहा है, न सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में. जो आखिरी महाराजा थे, महाराजा पीवीजी राजू, डॉक्टर पीवीजी राजू जिन्हें कहा जाता था, उन्होंने 1950s में जब भारत आजाद हुआ तब जो अपनी जो स्टेट थी, जो जमींदारी थी, वो मद्रास गवर्नमेंट को सौंप दी. बट उन्होंने एक अच्छा काम किया कि उनकी जो जितनी भी सारी जो निजी संपत्ति थी, जितने भी पैलेसेस थे उनके, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जिसे मनसस ट्रस्ट कहा जाता है, और उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए. और आज आई थिंक मनसस ट्रस्ट के 12 या 13 कॉलेजेस, स्टेडियम्स और ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है. वो आंध्र प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल ग्रुप है. और उन्होंने काफ़ी जो ज़मीनें हैं, ऑलमोस्ट 12,000 एकड़ जो ज़मीन है वो भी ट्रांसफ़र की. इसीलिए आज भी लाइक ज़मींदारी ख़त्म होने के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद भी जो विजयनगरम का जो राज परिवार है वो आज भी आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े लैंड ओनर्स में से एक है. जैसे मैंने आपको बताया सिम्हांचलम का जो नरसिंह जी का मंदिर है, उसके भी जो हेरिडेटरी ट्रस्टीज हैं वो विजयनगरम राज परिवार रहा है. और डॉक्टर पीवीजी राजू के जो बेटे थे आनंद गजपति राजू और अशोक गजपति राजू, टीडीपी में, पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे. और आज जो विजयनगरम का राज परिवार है वो उसी तरह से इन्फ्लुएंशियल है बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. जो वहाँ के जो महल है वो आज स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं. थैंकफुली जो किला है, टेंपल्स है, वो बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन में है. तो आशा ये है कि विजयनगरम रियासत की कहानी जानने के बाद लोग विजयनगरम का की गौरव देखने के लिए विजयनगरम जरूर जाएंगे. तो ये थी कहानी विजयनगरम रियासत.